अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट याद रख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस रेगुलरली ऑन going down the group 15 from nitrogen to bismuth. Explain. ठीक है, अब इसका explanation ये बहुत ही सिंपल है। अब इसमें एक ही ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम ग्रुप 15 में घटेगा, ठीक है। ग्रुप 15 में जो है घटता ही जाएगा, इसमें कहीं बढ़ने का चांसेस नहीं है। तो इसमें एक ही फैक्टर काम करेगा, जो भी फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वैन डेर वाल फोर्स जो है बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, है ना। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद जो एलिमेंट्स है, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद जो ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक साइज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एटॉमिक साइज जो है यहाँ प्रीडोमिनेंट फैक्टर है ना। एटॉमिक साइज इंक्रीज किया था, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। ये बहुत आसान है इंक्रीज इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब डाउन द ग्रुप 15 में जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में जब रहेगा, तो एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, क्लियर। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग जो है एक दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 shows a tendency, see, of catenation, tendency of catenation, but to a much smaller extent, much a smaller extent then after, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या है कि कैटेनेशन पढ़ना है। कैटेनेशन मतलब होता है सेल्फ कॉम्बिनेशन, है ना। कैटेनेशन किसको बोलते हैं, पहले तो कैटेनेशन देख लें। कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ
आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल एटम जब आपस में जुड़ जाता है अपने से उसको बोलते हैं कैटेनेशन। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे हुए कार्बन 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 हाइड्रोकार्बन में सब आपस में जुड़ गए, ये क्या हुआ कैटेनेशन। उसी तरह से दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, ये हुआ कैटेनेशन। उसी तरह से फॉस्फोरस जो होता है, चार फॉस्फोरस आपस में जुड़ता है, P4 लिखते हैं, ये O2 लिखेंगे। उसी तरह से आठ सल्फर आपस में जुड़ जाता है, ये भी कैटेनेशन हुआ, सेल्फ कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। और O3 हो गया ओजोन, तो तीन जो है ऑक्सीजन आपस में एटम आपस में जुड़ गया तो ओजोन बना। इस सब को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन दो को जुड़ता है, ये N2 के रूप में मिलता है। फॉस्फोरस चार आपस में जुड़ता है, सिलिकॉन भी चार आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कार्बन के कंपैरिजन में बहुत कम है। कार्बन का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, जो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, वो तो अनलिमिटेड होता है। क्लास 10 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में कम होता है, कम होता है, तो कम होने का रीजन क्या है ये हम लोगों को देखना है, उसका रीजन क्या है। तो कैटेनेशन होता है क्या होता है, बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड बन रहा है ना, ये सब तो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना एलिमेंट एलिमेंट एटम एटम के बीच में, ये जिसका कमजोर होगा उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैटेनेशन कम होगा। कार्बन कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही मजबूत है, अरे वो जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो हाई है, तो जिसके कारण उसका कैटेनेशन अनलिमिटेड है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के इतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है ना, तो जल्दी टूट जाता है, इसलिए कैटेनेशन इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता है। जिसका सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत एनर्जी देना पड़ता है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाई होता है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो चूँकि हाई होता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वो लॉन्ग चेन बना लेता है कार्बन का। लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ये सब का जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी हो तो लिमिटेड है, 3-4 तक, ठीक है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग होता है एलिमेंट एलिमेंट के बीच के एटम के बीच में, ठीक है ना, वो बहुत ही, उसका जो डिसोसिएशन इंथैल्पी बहुत कम होता है, आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए लंबा बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा, बहुत सारे बॉन्ड्स ये नहीं बना पाएगा ना, एक दो बॉन्ड बनाएगा बहुत हो गया। इसलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का वो लिमिटेड है, बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द कार्बन, ठीक है। इसमें सबसे सिंपल क्या लिखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का वो बहुत ही कम होता है। तो रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू देयर लो MM बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी लो होता है इसलिए बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ देंगे, इसीलिए ज़्यादा लंबा जो है रस्सी नहीं बन पाएगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इसका बहुत ही कम है, सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना आसान है, स्प्लिट करना आसान है, इसीलिए इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होगा वो लिमिटेड होगा, इसमें ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर ग्रुप 15 में देखेंगे, अगर ग्रुप 15 में देखेंगे तो मैक्सिमम जो टेंडेंसी होता है कैटेनेशन का वो फॉस्फोरस का है, वो P4 है, ठीक है, बाकी दो दो है, बाकी दो ही आपस में जुड़ता है। तो फिर भी मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर देखा जाए ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, तो
ग्रुप 15 एलिमेंट्स का अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस का जो है मैक्सिमम है और वो मैक्सिमम 4 तक है, है ना। मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, P4 मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है, तो याद रखना मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है फॉस्फोरस का P4 होता है, है ना। P4 मतलब 4 फॉस्फोरस आपस में जुड़ता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम होने के बावजूद भी उसमें से एक है ग्रुप 15 में फॉस्फोरस जिसका कि 4 एटम आपस में जुड़ता है आपस में, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। थोड़ा एलेक्ट्रॉपी कैटेनेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो एलेक्ट्रॉपी देख लेते हैं कौन कौन एलेक्ट्रॉपी है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें बहुत कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एलेक्ट्रॉपी, एलेक्ट्रॉपी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है। तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज, ठीक है, वाइट, ब्लैक और रेड फॉस्फोरस, ठीक है। उसके बाद है आर्सेनिक जो है एग्जिस्ट करता है येलो और ग्रे आर्सेनिक, ठीक है। उसके बाद एंटीमोनी एग्जिस्ट एज येलो और सिल्वरी, येलो और सिल्वरी ग्रे, एंटीमोनी, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन एंड बिस्मथ नाइट्रोजन एंड बिस्मथ नो इलेक्ट्रॉपी, कोई इलेक्ट्रॉपी होता नहीं है इस दोनों का। 5 में से 2 हो गया, जिसका कोई इलेक्ट्रॉपी नहीं होता है 3 का होता है। इलेक्ट्रॉपी है क्या ये भी तो जानना चाहिए कि नहीं, बताया जा चुका है, पता नहीं याद है या नहीं तुम्हें। एलेक्ट्रॉपी क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हैविंग द सेम आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलेक्ट्रॉपी। मतलब एलेक्ट्रॉपी क्या है, एलेक्ट्रॉपी इज द फिनोमेनन इन विच अ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म हैविंग आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका आइडेंट प्रॉपर्टी जो है एकदम आइडेंटिकल होता है, 100% केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होता है, सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है और फिर शेप एंड साइज ये सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉपी। केमिकली वो सेम होता है, सिर्फ फिजिकली वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के फिनोमेनन को इलेक्ट्रॉपी बोलते हैं। और जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। जैसे कार्बन भी एग्जिस्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है और बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है। उसी तरह से ये सब भी एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, वाइट ब्लैक एंड रेड फॉस्फोरस, आर्सेनिक एग्जिस्ट करता है येलो एंड ग्रे आर्सेनिक के रूप में, एंटीमनी एग्जिस्ट करता है येलो और सिल्वरी ग्रे एंटीमनी के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पढ़ाई की है। अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल। अभी तक हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए, अब आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर। ओके, हैव अ नाइस डे।